नमस्कार दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ। चलिए मूंग दाल का हलवा, चलिए झटपट बन जाता है, शुरू करते हैं। मैंने ओवरनाइट मूंग दाल को भिगो के रखा है, तो इस तरह से ओवरनाइट रखने से क्या होता है, ये नरम हो जाता है। तो अब हम इसे नमक से, मैंने इसको भिगो के रखी थी, अब मैं इसे धुल लूंगी। अच्छी तरह से इसे धुल लेना चाहिए, क्योंकि नमक डालने का कारण है केमिकल्स नहीं रहना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसको नमक से रात को भिगो कर रखी थी, अब मैं इसे फ्रेश वाटर से धो दूंगी। ये देखिए कितना डर्ट निकल रहा है। ये देखिए मैंने इसको फिर से पानी ले लिया है। अब जैसे कि मैंने इसको धो ली हूँ, मैं अब मैं इसे ग्राइंड करूँ। ग्राइंड करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने पेस्ट कर लिया है, अब मैं पेस्ट को डाल रही हूँ। मैं कढ़ाई को चढ़ाऊंगी, तो इसके लिए हम ऑन करते हैं गैस को। कढ़ाई जब तक गर्म होता है तब तक इसमें हम घी डाल देंगे। घी से थोड़ा ज्यादा लगता है इसमें, तो हम घी डाल रहे हैं। देखिए मेरा घी गर्म हो चुका है, इसी बीच में मैं ये काजू थोड़े से तल लेंगी। काजू तल के रेडी हो गया है, हम उसको उतार लेंगे। पेस्ट जो हमने बनाए रखे हैं मूंग दाल का, इसको हम डाल देंगे। और फ्लेम जो रखे हैं वो कम में रखिएगा। जो मैंने मूंग दाल डाला है इसको अच्छी तरह से आप हिलाते रहना है, क्योंकि मूंग दाल चिपक भी सकता है, इसीलिए आपको हिलाते रहना है। देखिए मैं मूंग दाल को हिला रही हूँ, इसके बाद थोड़ा सा भून जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसमें दूध डालेंगे। मैं अमूल ताजा डाल रही हूँ, देखिए अब मैं अमूल ताजा इस पर डाल दूंगी। पूरा मैंने छोटा पैकेट पूरा दूध डाल दिया है, आपको जितना सहूलियत हो उतना डालिएगा। देखिए इसको कंसिस्टेंसी हिलाते रहिए कंटिन्यूअसली, क्योंकि नहीं तो ये मूंग दाल है तो मूंग दाल चिपक भी सकता है। फ्लेवर के लिए आप इलायची पाउडर भी थोड़ा सा डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है। जिसे अगर इलायची पसंद नहीं है वो नहीं भी डालने से भी होगा। उसके बाद आप इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। तो मैंने चीनी भी डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डालिएगा। इसे उतार लेंगे, उतारने के बाद सर्व करने के बाद आपके साथ मिलते। सो दोस्तों देखिए मेरा मूंग दाल का हलवा बन चुका है इंस्टेंट। और नवरात्रि में कौन क्या क्या बना रहे हैं मुझे बताना जरूर, और मेरे इस वीडियो को लाइक्स ज्यादा भर भर के देना। और मैं आपके सहारे ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और नए दोस्त हो तो मेरे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना, ऑल को प्रेस करना और मेरे चैनल को ज्वाइन करना। तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। Thank you.
से दूर रखूं। Thank you.